तो दोस्तों आज का शो वहाँ पे ख़त्म हुआ जहाँ पे रश्मि जो है वो बिग बॉस से बात करने के बाद चली जाती हैं। अब कल है वीकेंड का वार और कल वीकेंड के वार में आपको क्या देखने को मिलेगा? दोस्तों आपको बता दें कि कल आपको देखने को मिलेगा कि सलमान खान जो हैं वो सभी से सबको उनकी औकात बताते हैं। जी हाँ, सलमान खान सीधे सीधे कहते हुए नज़र आएंगे दोस्तों कि अगर तुमको ज़्यादा ही लड़ना है तो सीधे सीधे मार दो, धक्का मुक्की क्या करते हो, सीधे मार दो और सीधे सीधे बाहर हो जाओ। बार बार क्या पंचायत करते हो कि मुझे चोट लग गई या उसको ये लग गया या उसको वो लग गया, सीधा सीधा कर कुरा के ख़त्म करो, काहे के लिए बार बार मुझे टेंशन देते हो और खुद भी टेंशन लेते हो। तो ऐसा कहना है सलमान खान का। साथ ही साथ सबसे बड़ा खुलासा तब होता है जब सलमान खान अरहान के बारे में बहुत बड़ा पोल खोल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताते चले, दरअसल सलमान खान काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहते हैं और गुस्से में क्योंकि सलमान खान रश्मि को काफ़ी टाइम से जानते हैं और कलर्स से भी जुड़े हुए हैं, वो तो रश्मि को काफ़ी पहले टाइम से जानते हैं। तो सलमान खान रश्मि को बोलते हैं कि क्या तुम्हें अरहान की सारी सच्चाई पता है? इसके बाद रश्मि बोलती है नहीं। उसके बाद सलमान खान गुस्से में अरहान से पूछते हैं, अरहान तू बता कि तेरे फैमिली में कौन कौन है? इसके बाद अरहान बताने लगते हैं कि भाई है, बहन है, ये है, वो है। तो इतना सब बताने के बाद सलमान खान बोलते हैं कि तेरे बच्चे भी हैं और तू शादी शुदा है, ये बताया तूने रश्मि को? इसके बाद रश्मि बोलती हैं शादी का तो मुझे पता है पर बच्चों का नहीं पता है। और इसी बात पे सलमान खान जो हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि अरहान जो हैं वो एक मतलब झूठे रिश्ते की शुरुआत करने जा रहे थे रश्मि के साथ। और सलमान खान जो हैं इतने बड़े झूठ का खुलासा करने के बाद रश्मि की जान बचा ली उन्होंने, मतलब कि ज़िंदगी सेव कर ली एक तरीके से देखा जाए तो। क्योंकि अरहान खान जो अरहान हैं उन्होंने बताया ही नहीं था कि उनके बच्चे भी हैं। और दोस्तों ये सच में गलत बात है, अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो, शादी करने जा रहे हो तो ये नहीं बताए कि मेरे बच्चे हैं। उसके बाद सलमान खान ने उनकी पोल खोली। उसके बाद अरहान ने क्या कन्फेस किया, कैसे कन्फेस किया, ये तो कल आपको पता चलेगा। तो दोस्तों बस इतना ही, धन्यवाद।